चलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि भाई कितनी बुरी तरह आ रही है पजारो। अब करवा रहे हैं इसकी फॉर्च्यूनर से, दोनों रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है। वो 4x4 है, 4x2 है। बाकी पावर स्पेक्स देखा जाए तो दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये 175 BHP और ये 178 BHP, दोनों में 400 Nm का टॉर्क है। नहीं नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 450 Nm का टॉर्क है, पर भाई क्या करें, देखते हैं। बाकी हारनी तो देखो पजारो है ही, कर लेते हैं एक बार। प्रथम भाई बोल रहे हैं कि कोशिश करेंगे इस बार भी जिताने की, पर भाई प्रथम भाई से भी नहीं जीत रही है, तो उन्होंने पूरी जान लगा ली थी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन जीतता है। भाई देखो रोहन भाई साथ बैठे हैं हरा के, पर कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती भाई है। ऑलवेज ऑन टॉप, बिल्कुल भाई ऑन द टॉप रहेगा। प्रथम भाई साइड में बैठे हैं, अलावत भाई गाड़ी चला रहा है। चलो देखते हैं इस बार भी कितनी गैप से हारेगी, हारनी तो है, कितने गैप से हारेगी ये डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, और उसने फॉर्च्यूनर ने उसको हरा दिया था बड़ा प्रेम से, इसुजु को। चलो भाई नीचे, तो भाई आ गए हैं पहले राउंड के लिए, और इसमें कोई मोड आता नहीं है। एसी इसका ऑन रखते हैं या ऑफ रखे? एसी ऑन कर देते हैं, ऑन ही कर लेते हैं। और भाई उनसे पूछते हैं, पहले भाई बेल्ट लगा लेते हैं। हां बेल्ट लगा लो, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट देन ड्रैग रेसेस। हां तो भाई क्या मोड रख रहे हो इसमें? भाई पावर मोड में रख रहे हो क्या? भाई फॉर्च्यूनर में है पावर मोड, ट्रैक्शन ऑन और एसी ऑन, एसी ऑन, इसका भी एसी ऑन है। तो भाई कर रहे हैं फर्स्ट राउंड स्टार्ट। थोड़ी लेट उठाई भाई, भाई ने कोई बात नहीं, बहुत गैप हो गया भाई, थोड़ी लॉन्च में हो रहा है, लॉन्च में दिक्कत हुई है भाई। चलो अगला राउंड मैं करके देखता हूँ एक बार भाई। ये कुछ फर्क था और लग ही रहा था फॉर्च्यूनर जीतेगी, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की पूरी टक्कर रहती है। ले लो ब्रेक, ले लो, कोई फायदा नहीं। 130 हो गई भाई, वैसे 130 चली गई थी पर लेट गई ना, पहले जाती तो मजा आता। तो चलो भाई अब करेंगे सेकंड राउंड, और उसका यार मोड लगवाएंगे नॉर्मल मोड, वो पावर मोड में देना भी। हाँ पावर मोड में अभी तो, और इसका एसी भी ऑन था। हाँ एसी भी ऑन, थोड़ी सी एडवांटेज देंगे भाई से भी एक बार अभी। लॉन्च भी लेट हुआ था, मतलब तो पता नहीं लगा ना भाई ने वन कब बोल दिया। बाकी गैप तो रहना ही था, दोबारा करते हैं। अब इसका एसी ऑफ कर रहे हो, उसको नॉर्मल में डाल लो, नॉर्मल है। इको कौन सा आता है इसमें? नॉर्मल, नॉर्मल मोड, ट्रैक्शन ऑन कर दिया, एसी ऑन है। आप एसी ऑफ, ठीक है, एसी ऑफ है हमारा। ठीक है समीर भाई, शीशे ऊपर कर लो भाई, रुक जाओ रुक जाओ। भाई आ गया पहला राउंड, कोई नहीं कोई नहीं, खेचो 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 खेचो, चल भाई खेचो, बढ़िया भाई। बहुत गैप रह गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया भाई, बहुत ज्यादा गैप हो गया, पकड़ भी नहीं रही ना। तो नॉर्मल में थी जबकि वो, कोई नहीं। तो भाई जैसे कि आप हमने देखा कि सेकंड राउंड की विनर अपनी वही रहती है फॉर्च्यूनर, जबकि उसको नॉर्मल मोड था। अब उसमें भी वही स्कॉर्पियो वाला सीन करते हैं, एक जन और बिठा के उसको डालते हैं इको मोड में, तो मुझे तो लग रहा है उसमें भी जीत ही जाएगी वो। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा गैप कम बनाएगी। हाँ। बाकी देखते हैं, हारनी तो है पर थोड़ा गैप कम, गैप कम होगा, थोड़ी सी एडवांटेज दे देंगे, एडवांटेज देते हैं इसको वजन की। वैसे अपनी जो पजारो है 2040 किलो की है और फॉर्च्यूनर 2180 किलो की है, तो है भारी हुई, पर फिर भी ट्यूनिंग का फर्क होता है। अगर आप ये ऑटोमेटिक लेते ना तो हो सकता था गैप और कम हो सकता था, कि चांसेस थोड़ा बढ़ जाते इसके। कोई नहीं भाई, चलो थर्ड राउंड में ट्राई करते हैं, इस बार पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ एक जना रहा हूँ बजारो में, क्या एक जना रहे? हाँ, बाकी सारे फॉर्च्यूनर में आ जाओ, 1 2 3 भी आपसे कर देंगे। चलो ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। तो फिर दो जने पजारो में और बाकी इसमें, मैं तो कहूंगा एक ही बंदा बैठा है। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसे? अरे जल्दी जीत जाए, कैसा लग रहा है?
फेयर ही चल रही है भाई, सारी फेयर चल रही है, बस हार रही है तो क्या करे। सी भी हमारा ऑन है, बाकी देख लो ट्रैक्शन का कोई ऑफ करने का साइन नहीं आ रहा, इको मोड आ रहा होगा। और ये देख सकते हो उसमें से रोहन भाई है, बाकी हम पांच लोग इसमें आ चुके हैं भाई। वो लॉन्च करके देख रहा भाई, अरे स्टेट आता भाई, अब देखा नहीं जा रहा इसलिए मैं आगे बैठ गया भाई। अब ये अपना फाइनल राउंड है ना भाई, अब ये अपना बिल्कुल फाइनल राउंड है। अब इसमें हमने पूरी अपनी गाड़ी भर चुके हैं, पांच लोग हम इसमें बैठे हैं, देख लो आप, पांच लोग इसमें आ गए। और वो अकेले रोहन भाई चलाएंगे भाई, वो भगा लेना ठीक है। इको मोड पे भाई गाड़ी आप देख लो, ट्रैक्शन भी ऑन है, एसी भी ऑन है। क्या लग रहा है सोबीन, जीते पड़े हैं फॉर्चुनर, तो एक काम कर लेना फिर। तो ठीक है भाई, थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। फाइनल राउंड है भाई, 1 2 3 3। तो भाई लॉन्च भी डिले हुई हमारी। अरे भाई भाई तो उतना ही गैप है अभी भी, हां उतना ही है भाई, बहुत ज्यादा लैग है यार गाड़ी में। और ये हमने भाई बिल्कुल देख लो कितना गैप बन चुका है, 110 पकड़ चुकी है। और गाड़ी ने मतलब थोड़ा सा भी 4x हो गया भाई, 4x में दिख रही है गाड़ी, 5x 6x भाई। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भाई अकेले ब्रेक ले लिया भाई अकेले चला रहा हूँ, इस वजह से कुछ दिक्कत आ रही हो। नहीं 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 भाई, लेते हैं एक बार, वैसे तो क्या ही होगा। हाँ बाकी वो खुद बता देगा। पर भाई आप देख लो इको मोड पे ट्रैक्शन ऑन, एसी ऑन, पांच जने बिठा दिए, बिल्कुल नहीं था अभी, बिल्कुल नहीं था भाई। अच्छा यहाँ से दोबारा करे, चलो चलो भाई यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं, चलाऊंगे उसको। सर लास्ट राउंड है भाई, फाइनल राउंड है, एक सेकेंड। चलो भाई रेडी रेडी, 1 2 3। लो जी भाई वो तो झटका खा जाती है एक बार, ये देखिए यहां से दिखानी पड़ेगी भाई। मेरा तो फोन अनलॉक नहीं हो रहा था भाई, फोन ये एक्स दिख रहा है, पर 9x में जाएगी भाई अब तो, ये उतना ही गैप है भाई, 9x कर दिया भाई मैंने, 9x तक जा रही है भाई ये, जीत गए भाई, जीत गए, तुम्हारे जीत गए। ब्रेक ले रहा हूं भाई, 295 ये रेंज रहेगी, 295। अब ब्रेक ले लेते हैं भाई, बिल्कुल भाई ये तो हार गई, एडवांटेज देके भी देख लिया, हार गई भाई, इसको फुल एडवांटेज दे दी भाई, फिर भी हार गई। हर तरीके से एडवांटेज देके देख ली बाजारों को, पर ये निकल ही नहीं रही है, क्योंकि भाई इनिशियल में तो बिल्कुल ना व्हील स्पिन है ना कुछ है, डाउन हो जाती है स्टार्ट होती, तो ठीक है कोई भाई अब नेक्स्ट राउंड करने का कोई फायदा भी नहीं इस सेगमेंट के साथ। अगर देखेंगे आगे इन फ्यूचर कोई होगी गाड़ी तो करवाएंगे, वरना भाई इस सेगमेंट की गाड़ियों से ड्रैग करने का तो कोई फायदा नहीं है। बाकी भाई ठीक है, ड्रैग रेस अगर आपको पसंद आई हो, और अगर आपको और ड्रैग रेस देखनी हो, अगर किसी और गाड़ी की देखनी हो तो वो बता देना। फॉर्चुनर थी, स्कॉर्पियो के साथ भी करी थी हमने लास्ट वीडियो में, वो करी स्कॉर्पियो ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है, बाकी वीडियो कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, एक बार भाई से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि रोहन भाई गाड़ी चला रहे थे, रोहन भाई बताएंगे, इन्होंने लास्ट में अकेले भी चलाई है भाई, क्या लगा? दाब मान जाती यार ये, बिल्कुल ये पहले गियर से दूसरे में डालते ही ना, हल्की सी व्हील स्पिन मारेगी फिर दाब, फिर दूसरे गियर में डालते फिर दाब। वही तो भाई, इसमें मुझे लग रहा है वो क्या बोलते हैं ट्रैक्शन ऑन है इनबिल्ट, जो भी है आप देखिए दिखवाएंगे, बाकी रैक का तो कोई फायदा नहीं है बाकी करने का। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।